हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अड्डा चैनल पे। तो दोस्तों, हमने इससे पहले अपने PT 365 पॉलिटी के पूरे साल के करंट अफेयर में हमने अभी तक प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट तक खत्म कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पार्डनिंग पावर होते हैं। अब ये पार्डनिंग पावर बेसिकली में मर्सी पावर होता है, मतलब किसी को माफ़ी करना, माफ़ी देना। तो अब हम जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, जो प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर है वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि निर्भया केस में जो पवन के जो पिटीशन गई थी, मर्सी पिटीशन, बाकियों की मर्सी पिटीशन जो गई थी वो प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया था और उनको फिलहाल में फांसी की सजा हुई थी, इसलिए न्यूज़ में है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पार्डनिंग पावर है। अब देखिए, प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर कहाँ से आता है। ये संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो पार्डन कर सकता है, माफ़ी कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है और रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है जो सेंटेंस उसको दिया गया है। मतलब ये सब प्रेसिडेंट की पावर है। ये प्रेसिडेंट को पावर कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 72 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब देखिए, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, पार्डन, कम्यूटेशन, रिपाइव, रिस्प्राइट और रिमिशन। पार्डन में क्या होता है, कम्प्लीटली एब्सॉल्व फ्रॉम ऑल द सेंटेंस ऑफ द पनिशमेंट, मतलब पूरा आपका माफ हो जाता है सजा जब प्रेसिडेंट आपको पार्डन कर दे। कम्यूटेशन क्या होता है, रिप्लेस कर देते हैं पनिशमेंट विथ लेस सीवियर पनिशमेंट, मतलब आपको अगर बहुत खतरनाक पनिशमेंट मिली है उससे थोड़ा आपका पनिशमेंट कम कर देते हैं, हल्का कर देते हैं। रिप्राइव होता है, टेम्प्रोरी सस्पेंड कर देते हैं डेथ सेंटेंस को, मतलब अगर आपको कोई डेथ सेंटेंस मिली है किसी कैदी को तो उसको प्रेसिडेंट चाहे तो उसको सस्पेंड कर सकता है टेम्प्रोरी पीरियड के लिए या कंप्लीट भी माफ़ कर सकता है पार्डन में। तो रिप्राइव में होता है बेसिकली अगर प्रेसिडेंट रिप्राइव करे मतलब टेम्प्रोरी सस्पेंशन करता है डेथ सेंटेंस को। अब यहाँ पे देखिए, रिस्पाइट मतलब हल्का पनिशमेंट देता है किसी स्पेशल ग्राउंड पे, जैसे कोई वुमेंस हो गई उसको अगर सजा हुई है कोई तो प्रेसिडेंट रिस्पाइट कर सकता है, मतलब उनको सजा कम कर सकता है क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी के कारण या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उसको प्रेसिडेंट ये रिस्पाइट कर सकता है, मतलब उनकी सजा थोड़ी हल्की, मतलब वो किसी ग्राउंड पे करेगा ऐसे नहीं। देखिए, सजा हल्की करना मतलब आपका कम्यूटेशन, उसमें कोई ग्राउंड नहीं था, प्रेसिडेंट चाहे तो कर देगा, मतलब रिस्पाइट करेगा प्रेसिडेंट मतलब किसी ग्राउंड के बेसिस पे, जैसे कोई वुमेन है वो प्रेगनेंसी हुई है या कोई पर्सन है जो विकलांग है उस आधार पर रिस्पाइट कर सकता है प्रेसिडेंट, मतलब उसकी सजा कम कर सकता है और कम मतलब हल्की कर सकता है, मतलब उसको है कि 5 रोज सुबह उठ के 5 उसको कौड़ी मारना है तो वो कौड़ी 2 हो सकती है, मतलब इस सेंस में, इस संदर्भ में आपको समझना है। अब देखिए, रिमिशन का भी पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, मतलब जो सेंटेंस मिला है ठीक है, रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द इट्स कैरेक्टर, मतलब क्या है रिमिशन, मतलब क्या होगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई सजा मिली है कि उसको 10 पत्थर दिन में तोड़वाना है, तो हालांकि वो पत्थर ही तोड़ेगा मगर सजा कम होगी, वो 5 ही पत्थर तोड़ेगा इस हिसाब से। तो ये सब आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्डन करने के लिए, कम्यूटेशन करने के, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन। अब देखिए, प्रेसिडेंट जो है ना वो ये पावर किस संदर्भ में, कब ये मतलब किस किस संदर्भ में ये अपने पावर को यूज़ कर सकता है, ये सारे केसेस में यूज़ कर सकता है, अगर पनिशमेंट में और सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शल, मान लीजिए आर्मी कोर्ट से भी किसी को कोर्ट मार्शल हुआ उसमें भी प्रेसिडेंट के पास पावर है। अगर आपको लगता होगा कि डिफेंस में प्रेसिडेंट की पावर नहीं चलेगी तो उसमें भी प्रेसिडेंट के पास पावर है, अगर कोर्ट मार्शल है कोई सेंटेंस दिया गया उसमें भी ये सब आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट कर सकता है, माफ़ी कर सकता है, पार्डन कर सकता है, कम्यूटेशन कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, रिस्पाइट और रिप्राइव। अब देखिए, हर केसेस जहाँ पे पनिशमेंट या सेंटेंस दिया होगा किसी जुल्म के, किसी अपराध के कारण ठीक है, कोई भी लॉ, कोई भी कानून के हिसाब से दिया होगा या वो मतलब एग्जीक्यूटिव पावर है ये प्रेसिडेंट का कि वो मतलब उसको माफ़ कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, हर केस में जहाँ पे सेंटेंस डेथ होगा, कोई भी केस होगा, कैसा भी केस, अगर उसमें फांसी की सजा है उसमें प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के तहत पावर है कि वो रिप्राइव कर सकता है, पार्डन कर सकता है, मतलब ये सारे पावर्स है प्रेसिडेंट के हर केसेस में। अब देखो, ये जो पार्डन पावर है ना प्रेसिडेंट का, ये एक्सरसाइज किस हिसाब से होगा, एडवाइस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट अपना हिसाब से डिसीजन नहीं लेता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से प्रेसिडेंट मतलब जो डिसीजन लेता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर।
तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को जाके बोलेगा, और प्रेसिडेंट मतलब बेसिकली में बैकग्राउंड में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सरकार प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और बस प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बोलती है करने के लिए। अब यहाँ पे ये जब पार्डन का जो भी पावर है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस से प्रेसिडेंट करेगा। अब देखिए नया टॉपिक जानते हैं, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों न्यूज़ में है? देखिए रिसेंटली डिमांड हुआ कि रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और बाकी अदर वैगुएट क्लासेस के लिए जो 9th शेड्यूल में है, अभी ये डिमांड किया है, मतलब रिजर्वेशन के लिए डिमांड किया है गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वैगुएट क्लासेस के लिए अंडर 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब 9th शेड्यूल के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ लिस्ट होता है, ठीक है, कंटेन लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट लॉ विच कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। अब देखिए कोई भी लॉ होगा जो 9th शेड्यूल के अंदर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, टोटल कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, ठीक है, आपको 9th शेड्यूल में अगर सरकार या स्टेट राज्य सरकार कोई भी लॉ बना के रखती है तो उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ये 9th शेड्यूल की खासियत है। अब देखिए कोई भी एक्ट विच इज एडेड अंडर द 9th शेड्यूल्स गेट रेजिस्टेंस फ्रॉम एनी इंक्रोचमेंट फ्रॉम जुडिशरी इवन इफ इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल। अब जैसे मैंने बताया कि 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ बना के रखा जाए तो वो उसको इम्यून रहता है वो लॉ, मतलब जुडिशरी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती अगर आपका फंडामेंटल राइट भी हनन हो रहा हो। देखिए ये कब ऐड किया गया, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में करके ऐड किया गया और क्रिएट किया गया एक नया आर्टिकल 31B जो बिलोंग विथ 31A, 31 के साथ में वो एग्जिस्ट आता है, एंड ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द लॉ रिलेटेड एग्रीरियन रिफॉर्म एंड द अबॉलिश ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये जो 9th शेड्यूल, ठीक है, अब 9th शेड्यूल ये आप यहाँ पे आप देख रहे हो, जो 9th शेड्यूल में अगर उसमें कोई भी लॉ बना के डाल दिया जाता है वो जुडिशरी से अलग रहता है, वो इम्यून रहता है, अगर आप 9th शेड्यूल में कोई ऐसा लॉ है सेंट्रल स्टेट का जो फंडामेंटल राइट का भी हनन करता है तो वो भी जुडिशरी के अंदर नहीं आएगा, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इट वॉज एडेड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट, मतलब पहले अमेंडमेंट एक्ट करके एड हुआ किया गया था 1951 में, और एक नया आर्टिकल क्रिएट किया गया था 31B, ठीक है, और 31A भी आया था जिसमें गवर्नमेंट मतलब प्रोटेक्ट करेगी जो एग्रीरियन रिफॉर्म, मतलब जो किसान के लिए रिफॉर्म करते हैं या जो अबॉलिश करने के लिए जमींदारी सिस्टम, ये सब के लिए आया था। बेसिकली मैं आपको यही जानना है कि 9th शेड्यूल में कोई भी अगर सरकार सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना के रखती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में करके इसको लाया गया था, आर्टिकल 31B और 31A। अब देखिए यहाँ पे एक और हम एक केस के बारे में जानते हैं, IR सिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है अब सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लो प्लेस इन द 9th शेड्यूल वर ओपन टू जुडिशरी स्क्रूटिंग। अब यहाँ पे आपको पता है कि सरकार ने क्या किया, 9th शेड्यूल लेके आई और उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा कि इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट में, मगर IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, ये जुडिशियल स्क्रूटिन के लिए ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया ड्यूअल टेस्ट टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल, दैट इज वेदर इट वॉयलेट द फंडामेंटल राइट और इफ यस वेदर इट वॉयलेट द डैमेज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो 9th शेड्यूल के अंदर जो लॉ है ना उसको जुडिशरी स्क्रूटिन किया जा सकता है, कोर्ट दे सकता है कि ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहा है कि नहीं या ये बेसिक स्ट्रक्चर का डैमेज कर रहा है कि नहीं, अगर ऐसा करता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। इफ द आंसर टू बोथ क्वेश्चन इज द अफर्मेटिव देन ओनली द लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर 9th शेड्यूल में कोई सरकार, देखिए सरकार 9th शेड्यूल लेके आई उसमें कोई भी लॉ बना के रख दी जाती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, मगर एक केस आया IR सिलोहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पलट दिया, बोला कि 9th शेड्यूल के लॉ को भी चैलेंज किया जाएगा अगर फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था केशवानंद भारती के केस से, 1973 लैंडमार्क जजमेंट आया था बेसिक स्ट्रक्चर का, ये मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा, मैंने पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर बना के अपने चैनल पर डाले, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखें, बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये क्यों न्यूज़ में, देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर डू नॉट इंजॉय द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा, मतलब सरकार ने कहा कि जो ओवरसीज सिटीजन्स होंगे ना
वो फंडामेंटल राइट को इंजॉय नहीं कर पाएंगे, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है उसको वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर वो ओवरसीज सिटीजन होंगे। NRI और ओवरसीज सिटीजन में अंतर है, ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए अब जान लेते हैं कुछ ओवरसीज सिटीजन स्कीम के बारे में। देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का स्कीम क्या था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ चेंज करके अगस्त 2005 में। इसमें कहा गया अ फॉरेन नेशनल, कोई भी बाहर का एक व्यक्ति जो हु वॉज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है 26 जनवरी 2050, और वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950, बिलोंग टू द टेरिटरी, बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर, ये सब मतलब दिया है। मतलब यही बेसिकली कहा जा रहा है कि कोई भी फॉरेन नेशनल फॉरेन व्यक्ति अगर वो इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको ये सब डेट उट दी है, डेट हमें नहीं देखना है। अब देखिए माइनर चिल्ड्रन क्या है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ सच पर्सन आर ऑल्सो एलिजिबल ऑफ इंडियन ओवरसीज सिटीजन। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना होगा कि कोई जो 2005 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में कुछ चेंजेस किया गया और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें क्या गया अगर कोई भी पर्सन जो इंडिया का ओवरसीज सिटीजन है, ठीक है, उसका माइनर चिल्ड्रन भी एलिजिबल है कि वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। अब देखिए हाउएवर इफ द एप्लीकेंट हैड एवर बीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश ही विल नॉट एलिजिबल फॉर। देखिए बांग्लादेश यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, अगर कोई भी बांग्लादेश या पाकिस्तान का सिटीजन होगा तो उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं मिलेगी। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो कार्ड होल्डर होंगे उनको वोटिंग राइट नहीं होता, वो कोई गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि उनको वोटिंग राइट भी होता है गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते, नहीं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डर होते हैं उनको कोई गवर्नमेंट जॉब्स मतलब वोटिंग का भी अधिकार नहीं है ना कोई उनको गवर्नमेंट जॉब के में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सरकार अभी कह रही है कि वो उनको फंडामेंटल राइट का भी अधिकार नहीं है। दे हैव गारंटेड स्टेचुरी राइट अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से उनको वोटिंग का राइट भी नहीं है ना गवर्नमेंट जॉब में आने का भी राइट है। तो ये राइट ग्रैंड डिपेंड अपन द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इनकी जो राइट होंगे इनके जो अधिकार होंगे वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी पॉलिसी उसके अनुसार होगा। अब देखिए जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड होगा उसको गारंटेड मल्टीपल एंट्री, मतलब बहुत बार वो आ सकता है इंडिया में, बहुत कारणों के कारण आ सकता है इंडिया में, लाइफ लॉन्ग उसको वीज़ा भी मिलेगा इंडिया में आने के लिए, ठीक है, ये फ़ायदा है। अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे तो आपको बहुत बार इंडिया में आने का मौका मिलेगा, बहुत अलग अलग कारण से आप आ सकते हो, घूमने के लिए, बिजनेस के लिए, आपको लाइफ लॉन्ग इंडिया में आने के लिए वीज़ा भी मिलेगा। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बेसिकली जनरली पैरिटी विथ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो ओवरसीज ऑफ इंडिया हैं उनको वो थोड़े अलग हैं, उनको अलग अधिकार होता है और नॉन NRI नॉन रेसिडेंटल इंडिया को अलग होता है इन द टर्म ऑफ फैसिलिटीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, एजुकेशन फील्ड, एक्सेप्ट इन द मैटर रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी को में लगभग सेम होता है, नहीं तो इकोनॉमिक और बाकी फैसिलिटी में जो NRI है उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशन फील्ड में रिलेटेड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कंपेयर में। अब जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होगा वो एक्सटेम्प्ट होगा रजिस्ट्रेशन विद द फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर एनी लेंथ स्टे इन इंडिया, मतलब उसको बार बार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को मतलब बार बार रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा कि वो मतलब फॉरेन रीजनल रजिस्टर ऑफिसर से कि वो कितने दिन तक रहेगा, कब तक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं UN not a state, ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है UN not a state। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रूल मतलब एक मतलब केस में बोला कि यूनाइटेड नेशन इज़ नॉट अ स्टेट। यूनाइटेड नेशन जो UN है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है UN, यूनाइटेड नेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 193 मेंबर्स है, वो कोई स्टेट नहीं है, कोई कंट्री नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज़ नॉट एमनीवेबल टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अपने एक रूल में कि जो यूनाइटेड नेशन है ना वो स्टेट नहीं है। आप अगर आर्टिकल 12 को पढ़ोगे, ठीक है, आर्टिकल 12 में दिया है कि मतलब स्टेट
ठीक है, मतलब कोई लॉ स्टेचुरी बनाए या पार्लियामेंट बनाए या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन PSU, किसी का भी लॉ एक स्टेट में आता है, अगर उसमें फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन हुई तो कोर्ट में चैलेंज होगा। मगर ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि यूनाइटेड नेशन है वो कोई स्टेट नहीं है। अब स्टेट कहाँ नहीं है, जो आर्टिकल 12 के अंदर मीनिंग आता है। अब आर्टिकल 12 आप जाके एक बार देखना कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा है। स्टेट मतलब होता है कोई भी स्टेट, मतलब जुडिश, मतलब आपका पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, कोई भी स्टैचुरी नॉन स्टैचुरी बॉडी होगी, कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, वो कुछ बनाते हैं लॉ, तो अगर फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है तो अगर वो स्टेट में आते हैं तो उनका फंडामेंटल राइट जुडिशरी रिव्यू करके मतलब कैंसिल कर सकता है। तो आप आर्टिकल 15 को देखोगे, सॉरी आप आर्टिकल 12 को देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यही बोल रहा है कि ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यूनाइटेड नेशन एक स्टेट के मीनिंग में नहीं आता आर्टिकल 12 के हिसाब से। उसका ज्यूरिडिक्शन मतलब किसी कोर्ट में आप नहीं लेके जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है, देखिए आर्टिकल 32 ये आपको अपने फंड गारंटर ऑफ, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली में है ना, ये आर्टिकल 32 के हिसाब से वो देखता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो वो उस पर मतलब उसको देखता है, उसको केस को देखता है, उस मैटर को देखता है और आपको अन्याय दिलाता है। वैसे सेम हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226 कि वो देखे अगर आपने कुछ ऐसा पिटीशन, कुछ ऐसा केस लेके गए हो हाई कोर्ट में। तो अब देखिए आर्टिकल 12 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 12 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में है कि द टर्म स्टेट डोनेट्स द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। टर्म स्टेट क्या बताया था, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल लोकल अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये सब स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द लीगल सूट अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज नॉट अ फॉरन स्टेट एंड इज ओनली द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बोला गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई लीगल सूट, लीगल केस करता है अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूएन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोर्ट ने कहा। अब देखिए सेक्शन 86 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड CPC 1908 क्या है, उसका सेक्शन 86 क्या कहता है कि कोई भी फॉरेन स्टेट मे बी सूड इन एनी कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी फॉरेन स्टेट को हम अपने मतलब कोर्ट में ले जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद। ये सेक्शन 86 ऑफ सिविल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड का 1908 का कहता है। मगर अभी हाई कोर्ट ने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना किसी भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के और कोर्ट में लेके जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इट हाउएवर सेड यूएनओ एंड इट्स ऑफिशियल इन्जॉय इम्यूनिटी अंडर द यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947। मतलब जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल होते हैं या इन्वॉय होते हैं या एम्बेसडर होते हैं तो उनको हर कंट्री में ह्यूमैनिटी ये होती है, इम्यूनिटीज होती है, इम्यूनिटीज होती है अंडर यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947 के हिसाब से। अगर मान लीजिए कोई भी यूनाइटेड नेशन का कोई मेंबर यहाँ पे आके कोई मर्डर भी कर देता है ना, या दूसरे कंट्री का आके एम्बेसडर यहाँ पे मर्डर भी कर देता है या इन्वॉय, तो उसको हमारे कंट्री में नहीं केस चलेगा, उसको उसकी कंट्री लेके जाएगी और उसके कंट्री के कानून के हिसाब से उसके कंट्री में केस चलेगा, तो उनको इम्यूनिटी मिलती है वो भी एक्ट 1947 के हिसाब से। एज देखिए जो यूएनओ का है, यूएनओ को इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ लीगल प्रोसेस एक्सेप्ट इन सोफर और इन एनी पर्टिकुलर केस ऑफ एक्सप्रेसली वेव्ड ऑफ इट्स इम्यूनिटी। देखिए जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, इन्वॉय होते हैं, उनको इम्यूनिटी तो मिलती है, छूट तो मिलती है कि वो कुछ भी उन पर कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं चलेगा उस कंट्री में। मगर अगर उन्होंने कुछ बहुत बदतर से बदतर काम कर दिया कि जो नहीं कंट्रोल में हो रहा है या वो टेररिस्ट बन के उड़ाने लगे तब उनको मारा जा सकता है। अब देखिए कुछ प्रोविज़न है आर्टिकल्स जो न्यूज़ में है, ये देखिए अदर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो न्यूज़ में, इसको आप एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 87, ठीक है, आर्टिकल 87 न्यूज़ में क्यों है,
ठीक है। और ये क्या कहता है, आर्टिकल 87 कहता है कि स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट एंड प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। तो आर्टिकल 87 कहता है कि प्रेसिडेंट मतलब जब जब कोई भी आप बोल सकते हो कि लोकसभा चुन के आती है या कोई भी पहली सरकार स्टार्ट होती है तो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, उसमें दोनों हाउस के मेंबर इकट्ठा होते हैं लोकसभा में और प्रेसिडेंट की पहली स्पीच होती है। तो आर्टिकल 87 में स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट बताया गया है। पार्लियामेंट जब असेंबल होती है टुगेदर एक साथ, पार्लियामेंट में आपको पता है लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट ऑफिस भी आता है। पार्लियामेंट सिर्फ कोई एक लोकसभा या राज्यसभा नहीं है, तीनों मिला के पार्लियामेंट होता है। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा, जैसे मैंने बताया लोकसभा के जनरल इलेक्शन के बाद जो भी जीत के आता है वो सब मिलके लोकसभा से भी और राज्यसभा पूरा मिलके पार्लियामेंट में लोकसभा में बैठता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट मतलब आप बोल सकते हो एड्रेस करता है। और ये आर्टिकल 87 के तहत करता है। अभी ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अभी नई सरकार बीजेपी की बन के आई है 2019 में, ठीक है। और एट द कमेंसमेंट ऑफ पहला सेशन हर साल का प्रेसिडेंट ही बताता है, अभी बजट भी आया तो हर साल का जो पहला सेशन स्टार्ट होता है ना उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। अब प्रेसिडेंट एड्रेस कंटेन लेजिस्लेटिव एंड द पॉलिसी प्रपोजल डेट गवर्नमेंट इंटेंड टू इनिशिएट। और देखिए जो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है उसमें ये भी थोड़ा बहुत बताता है कि क्या सरकार लॉ और क्या सरकार की पॉलिसी होने वाली है, स्टार्टिंग में किस हिसाब से इनिशिएट होने वाली है। अब आर्टिकल 164 का 3 आर्टिकल क्या करता है, 164 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि इट मैंडेट, मतलब ये गवर्नर को बोल मैंडेट करता है कि गवर्नर शैल एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड द सीक्रेसी ऑफ द टू द मिनिस्टर बिफोर द मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज हर ऑफिस, ठीक है। और द फॉर्म ओथ इन द मेंशन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल रिक्वायर्ड द ओथ टेकर आइदर द स्वेयर इन द नेम ऑफ। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 164 का सबसेक्शन 3 कहता है कि प्रेसिडेंट जो सॉरी गवर्नर को जरूरी है कि वो जो ओथ मतलब गवर्नर हर मतलब मिनिस्टर को ओथ दिलाता है और उसकी जो मिनिस्ट्री है उसको अपने मतलब सीक्रेसी रखता है। अगर कोई मिनिस्टर ने उसे कुछ कहा तो वो जाके मीडिया में नहीं कह देगा कि ये मिनिस्टर ये कह रहा है, ये मिनिस्टर वो नहीं कह रहा। वो ओथ भी दिलाता है हर ऑफिस के लिए, आपको पता है चीफ मिनिस्टर को भी ओथ गवर्नर दिलाता है स्टेट में, बाकी मिनिस्टर को भी जो अगर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने को बोलते हैं उसको गवर्नर ही करता है। और ये जो ओथ है और इसको थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि किस हिसाब से ओथ लेना है, क्या ओथ का जो भी है, और स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड एंड सोलेमनली अफर्म। देखिए ओथ और अफर्मेशन में क्या अंतर, ओथ वो लेता है जो भगवान पे विश्वास करता है, अफर्मेशन वो लेता है जो नास्तिक होते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो आर्टिकल 164 का सबसेक्शन 3 वो यही बताता है कि गवर्नर ओथ दिलाता है और वो सीक्रेसी रखता है मिनिस्टर के ऑफिस की। अब देखिए ये जो न्यूज़ में आर्टिकल हमने 87 देखा, आर्टिकल 164 का 3 देखा, आर्टिकल 340 देखेंगे। आर्टिकल 340 क्या है, प्रेसिडेंट को मतलब पावर देता है कि वो अपॉइंट करेगा कमीशन जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि बैकवर्ड क्लासेस का कैसा सिचुएशन है, कि किस हिसाब से चल रहा है। और ये जो कमीशन है इसको हेड किया था किसने, जस्टिस जी रोहिणी, जो वॉज फॉर्म टू लुक इन टू द सब कैटेगरीशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन 2017। देखिए आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो कमीशन को एक बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन को अपॉइंट करे कि वो देखे कि वो बैकवर्ड क्लासेस का कैसा कंडीशन चल रहा है, ऐसे कमीशन को अपॉइंट करे। ये आर्टिकल 340 पावर करता है, एम्पावर करता है, मतलब पावर देता है प्रेसिडेंट को। तो इसी पावर के अनुसार प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था जस्टिस जी रोहिणी को, ठीक है। जी रोहिणी को 2017 में जो देखेंगे किस हिसाब से बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस है। अब देखिए आर्टिकल 371 और आर्टिकल 371 से लेकर 371J तक ये रखा गया है पार्ट 21वें में कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ग्रांट करता है टेम्प्रोरी ट्रांजिशन और एन स्पेशल प्रोविज़न देता है कुछ स्टेट्स को कंट्री में। तो आर्टिकल 371 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से ही पार्ट है। और आर्टिकल 371A और 371J इनकॉर्पोरेट बाद में ऐड किया गया, क्योंकि ये आपको पता है अल्फ़ाबेट इसमें दिख रहे ए और जे, मतलब अमेंडमेंट करके डाला गया। और आर्टिकल 371 मतलब डील करता है गुजरात और महाराष्ट्र से कि उनको क्या ग्रांट देना है, स्पेशल प्रोविज़न क्या देना है। और आर्टिकल
371A नागालैंड से करता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 371 बेसिकली में से लेके 371J तक आप पार्ट 21वें में कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है, और ये 371 स्टार्टिंग में ही था क्योंकि इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं, मतलब कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। और 371 मतलब आपको डील करता है गुजरात और महाराष्ट्र को जो स्पेशल प्रोविज़न दिया गया, और 371A नागालैंड को, और 370B आपको आसाम को, 371C मणिपुर को स्पेशल स्टेटस देता है, 371DE आंध्र प्रदेश को, 371F सिक्किम को, 371G मिजोरम को, 371H अरुणाचल प्रदेश को, 371 आपको आई गोवा को, 371J कर्नाटक को। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल स्टेटस इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में फिलहाल सरकार ने स्पेशल स्टेटस 370 हटा दिया और 35A आर्टिकल हटा दिया, उसी के संदर्भ में दिया गया कि एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि मतलब 371A किसके लिए है, 371 किसको देता है, तो गुजरात महाराष्ट्र को, 371 नागालैंड को स्पेशल स्टेटस देता है, 371B असम को, 371C मणिपुर को। तो ये आप याद रखिएगा। अब चलिए आज के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और हम आगे कर लेते हैं, चलिए हम थोड़ा और आगे कर ही लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे। अब देखिए हम फंक्शन देखेंगे पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के और लोकल गवर्नमेंट के। देखिए लेजिस्लेचर क्या है, ठीक है, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, लेजिस्लेचर में हम पार्लियामेंट्री कमेटी देखेंगे। अब पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों न्यूज़ में, तो देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंट सेशन हुआ था पार्लियामेंट को, इसमें कुछ बिल पास हो गए बिना स्क्रूटनी किए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के। मतलब देखिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं पॉलिटी का भी लेक्चर साइड वाइज मैं अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली ये कमेटी इसलिए सेटअप की जाती है क्योंकि बिल जो आता है उसको रेक्टिफाई कर सके, देख सके उसमें क्या कमी है, क्या उसमें अच्छा है और क्या कमी है, जिससे उस कमियों को दूर किया जाए, इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इसको देखती है कोई भी बिल आता है तो, मगर सरकार बहुत बार उस बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजती है, और तो बहुत बार अपोजिशन कहता है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजो तो ये बिल में जो भी कमी होगी बाहर आएगी। तो रिसेंटली बहुत सारे बिल बिना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनी किए ही पास हो गया, जैसे अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी दो टाइप की होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी और एक एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी बेसिकली टेम्प्रोरी नेचर में होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते हैं, फिर उसका काम होने के बाद उसको रद्द कर दिया जाता है। पर स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है, मतलब ये हमेशा ये रहेगी, एग्जिस्ट करेगी और हर साल बनाई जाती है कि कुछ मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे बनाई जाती है कि अगर कोई भी बिल आया तो उसको किस हिसाब से देखना है, क्या कमियां उसको देखना है और किस हिसाब से उसको और भी अच्छा कर किया जा सकता है। बट एडहॉक कमेटी टेम्प्रोरी नेचर की होती है, किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाई जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है कि कमेटी जो डिफरेंट प्लेसेस पे होगी विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन एंड नेचर, ऑल दिस मैटर आर डेल्ट बाय द रूल्स ऑफ टू हाउसेस। अब जो एक कमेटी है ना, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेक अ मेंशन ऑफ दिस कमेटी एट डिफरेंट प्लेसेस बट विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द कम्पोजिशन नेचर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कहा है कि ये सब कमेटी होनी चाहिए अलग अलग चीज़ों के लिए, मगर इसमें क्या कंपोजिशन कितने लोग होना चाहिए, कितने साल के लिए होना चाहिए, ये छोड़ दिया दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा के उनके रूल के हिसाब से वो रख सकते हैं। अब देखिए दे जो कमेटी है ये इंश्योर करती है, डिटेल देखती है, स्क्रूटिंग करती है, अपहल करती है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लाती है कि हाँ ये आपने जो लाया है बिल इसमें क्या कमी, इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, उसको आप इम्प्रूव करो। फिर ये वर्क करती है नॉन पार्टीशन मैनर, मतलब किसी का पक्ष के हिसाब से नहीं करती है। ये एट द अपोजिशन टू प्ले ग्रेटर रोल, मतलब इसमें अपोजिशन भी रहता है इसलिए इसमें और भी अच्छा इस कमेटी को माना जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन भी रहते हैं तो इसको और भी अच्छा माना जाता है, तो इसको लगता है कि ये सरकार की कमियां भी निकालेगी और कुछ और भी इसमें अच्छा ऐड किया जाएगा। इसमें कुछ रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स भी रहते हैं, इसमें कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी रहते हैं, तो इस हिसाब से आपको ये सब चलता है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं एथिक कमेटी, जो एथिक्स कमेटी है ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए एथिक्स कमेटी डिसाइड करती है कि किस हिसाब से लोकसभा के एमपी का चाल रहन, किस हिसाब से उनको रहना चाहिए, उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए। तो देखिए एथिक्स कमेटी के बारे में कुछ जानते हैं। ये कमेटी बेसिकली में बनाई गई थी राज्यसभा में 1997 में,
और लोकसभा में इसे 2000 में बनाया गया था। जो एथिक कमेटी है ये लोकसभा में इसका कोई भी मतलब डज नॉट हैव मोर देन 15 मेंबर, मतलब आपको जो एथिक कमेटी है इसमें लोकसभा से 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे और राज्यसभा से 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे। ये एथिक मतलब लोकसभा में 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे इस कमेटी में और राज्यसभा से 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे ये कमेटी जब बनेगी। देखो ये इन्फोर्स करता है कि किस तरह से जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपीस होते हैं हम जो चुन के भेजते हैं वो किस तरह से रहें, उनका किस तरह से काम दिनचर्या चलना चाहिए लोकसभा में राज्यसभा में। और ये कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि किस ये कोड ऑफ जो कंडक्ट है ये सबसे पहले 2005 में आया था फोर्स में फॉर द राज्यसभा एमपी के लिए, जो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके लिए सबसे पहले 2005 में आया था। अब यहाँ पे जानते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब देखिए पार्लियामेंट जो मेंबर होते हैं उनके क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए ऑन द राफेल फाइटर जेट डील, जो राफेल फाइटर जेट डील हुआ था आपको पता है, जिसके लिए राहुल गांधी बहुत कुछ बीजेपी पे मतलब मोदी जी पे लगा रहे थे आपको आरोप कि उनने कुछ घोटाला किया जो भी उनका अपना पॉलिटिक्स है, पर हमें इसमें ये जानना कि जो राफेल जेट डील्स हुआ था वो ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज मोशन एंड वॉज मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। मतलब ये जो आपका राफेल जेट फाइटर के डील में ऑपोजिशन ने प्रिविलेज मोशन लेके आई प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट में। अब टाइप ऑफ प्रिविलेज क्या होता है, कलेक्टिव मतलब एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर फ्रॉम प्रोसीडिंग एंड होल्ड अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है ये आप जो भी है ना कलेक्टिव और इंडिविजुअल ये आप मैं बताता हूँ इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, क्योंकि ये बहुत फिर बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को पढ़ेंगे और आगे भी बहुत है अभी। तो चलिए आज के लिए यहीं पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कंटिन्यू करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें शेयर करें और ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।